तो बच्चों आज स्टार्ट कर रहे हैं हम कुछ नए टॉपिक्स। अभी तक हमने क्या देखा, अभी तक की क्लास में हमने स्ट्रक्चर और सारे देख लिए, ठीक है। स्ट्रक्चर से कोई भी क्वेश्चन आएगा वो कर लेंगे। अब नेक्स्ट आते हैं हम किस पे, फजांस रूल पे आते हैं, ठीक है। यहाँ से कुछ कोवेलेंट और आयनिक कैरेक्टर के कंपाउंड आते हैं, तो यहाँ पर ध्यान देना। अभी नेक्स्ट टॉपिक हमारा कौन सा है, फजांस रूल, ठीक है। अभी फजांस रूल क्या कहता है, ये हमें बताता है किसी कंपाउंड का आयनिक या फिर कोवेलेंट कैरेक्टर। इट टेल्स आयनिक और कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ अ कंपाउंड, ठीक है। अब आपको है ना यहां पर चीज ध्यान देनी है, सबसे पहले समझ लो फिर लिखना। जैसे ये आपका Na है, ठीक है। Na के आउटर मोस्ट में एक इलेक्ट्रॉन होता है और क्लोरीन के आउटर मोस्ट में कितने होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये वाली बात आपको पता है, ठीक है। सोडियम एक इलेक्ट्रॉन लूज करके, ठीक है, ऑक्टेट कंप्लीट करता है और क्लोरीन गेन करके, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन उठाया और ये वाला यहाँ पर डोनेट कर दिया। अब जब यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन हुआ है, क्या हुआ है भाई, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से क्या बना, आयनिक कंपाउंड। बोलो भैया क्या बना, आयनिक कंपाउंड। अब जब सोडियम ने इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया तो दे देना, मांग मत, क्योंकि तूने दे दिया तो तूने बनाया आयनिक कंपाउंड। लेकिन अगर सोडियम यू कहे कुछ कि भाई इलेक्ट्रॉन देने से मेरे ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज, क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज, और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन लेने से क्या आ गया, नेगेटिव चार्ज, तो बताओ ये पॉजिटिव चार्ज, ये जो नेगेटिवली चार्ज इनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा, क्या उसको अपनी तरफ पुल करेगा, नहीं करेगा, पुल करेगा। तो सिंपल सी बात है, जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज उस दिए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ पुल करेगा, इसका मतलब क्या है कि जो तूने दिया था वो 100% तेरे देने के मन में नहीं है, कहीं ना कहीं तू बीच में वापस खींच रहा है ना, और बीच में खींचना मतलब शेयरिंग की तरफ बढ़ना, जबकि पूरा दे देता तो आयनिक कंपाउंड बन जाता, अब तू उसको बीच में खींच रहा है, मतलब तू क्या कर रहा है, कहीं ना कहीं कोवेलेंट कैरेक्टर ला रहा है, ठीक है। तो अब अगर पॉजिटिवली चार्ज आयन कामयाब हो जाता है कि वो उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींच ले, तो मैं कहूंगा भाई जो तूने ये देने का नाटक किया है ना दुनिया वालों की नजरों में, ये तूने गलत किया है। क्यों, क्योंकि तू अब इलेक्ट्रॉन वापस मांग भी रहा है, तो कहीं ना कहीं तेरा प्योर आयनिक नेचर नहीं है, कहीं ना कहीं तो उसमें क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, कोवेलेंट नेचर। तो ये मान करके चलते हैं कि दुनिया का कोई भी कंपाउंड 100% आयनिक नहीं होता, क्योंकि 100% इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कभी होता ही नहीं है, तो उस आयनिक कंपाउंड का कोवेलेंट कैरेक्टर आएगा या नहीं आएगा, समझ गए। तो किसी भी आयनिक कंपाउंड में कितना कोवेलेंट कैरेक्टर है ये बताता है फजांस रूल। तो ये बताने के लिए अब मैं आपको दो फैक्टर्स बताऊंगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज के बारे में बताऊंगा, कुछ नेगेटिव चार्ज के बारे में बताऊंगा, ये आपको डिटेल में समझ जाना है ताकि आप इस पे आए हुए हर एक क्वेश्चन कर पाओ, ठीक है। तो यहां सामने ध्यान देना, जैसे कि मैं यहां पर लिख रहा हूं लिथियम सोडियम पोटेशियम रुबिडियम, मान लो ये लिख रहा हूं, ठीक है। Li, ये क्योंकि सारे ये फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट है, कौन से एलिमेंट है, फर्स्ट ग्रुप, तो लिथियम भी एक इलेक्ट्रॉन देता है, सोडियम भी एक देता है, पोटेशियम भी एक देता है, और आरबी भी एक देता है, तो इस पे भी प्लस वन चार्ज आएगा, इस पे भी प्लस वन, इस पे भी प्लस वन, इस पे भी प्लस वन। अब तुम बताओ नीचे जाते जाते साइज बढ़ेगा या घटेगा, नीचे जाते जाते साइज बढ़ेगा, है तीनों पे कौन सा चार्ज, वन प्लस, लेकिन नीचे जाते जाते साइज बढ़ गया, तो ये पॉजिटिव चार्ज डेंस कहां रहेगा, ऊपर या नीचे, ऊपर ज्यादा डेंस रहेगा और नीचे, मतलब अगर साइज इतना बड़ा हो गया, थोड़ा बहुत पॉजिटिव चार्ज घूम भी रहा है, पता भी नहीं लगेगा ससुरा पॉजिटिव चार्ज है भी या नहीं, ठीक है। तो मैं क्या बोलू, सरफेस चार्ज डेंसिटी किसकी ज्यादा है, Li प्लस की या Rb प्लस की, सरफेस चार्ज डेंसिटी, अरे पॉजिटिव चार्ज की सरफेस चार्ज डेंसिटी कहां ज्यादा है, Li प्लस, समझ गए। तो Li प्लस ज्यादा औकात रखेगा इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचने का या Rb प्लस, कौन रखेगा, Li प्लस, और रीजन क्या है, क्या रीजन है कि सरफेस चार्ज डेंसिटी, समझ गए। तो
तो पॉजिटिव चार्ज कितना इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपनी तरफ खींचता है वो कहलाती है पॉजिटिव चार्ज की पोलराइजिंग पावर। अरे किसी को पोलराइज करने का क्या मतलब होता है? हाँ, सेपरेशन कर देना, है ना। तो वही चीज यहां पर हो गई कि एल आई इज स्मॉलर देन आर बी एंड इट्स सरफेस चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी इज मोर। सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या है गाइस? मोर। ठीक है, अब यहां पे आ जाते हैं पोलराइजिंग पावर। क्या आ जाते हैं? पोलराइजिंग पावर। तो पोलराइजिंग पावर क्या होता है ये बात समझना। द एबिलिटी ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन टू अट्रैक्ट द नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन टूवर्ड्स इटसेल्फ। द एबिलिटी ऑफ पॉजिटिवली, पॉजिटिवली को ऐसे लिख देते हैं, पॉजिटिव के आगे ली लिख दो, ठीक है। ऑफ पॉजिटिवली चार्ज आयन टू अट्रैक्ट, तो क्या स्पेलिंग है अट्रैक्ट की? ए डबल टी ना। टू अट्रैक्ट नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एन आयन टूवर्ड्स इटसेल्फ, towards itself is called, यहां पे PP लिख दू polarizing power। क्या लिख दू? PP polarizing power, ठीक है। तो सामने ध्यान देना, तो अगर मैं बात करूं कि polarizing power किसकी ज्यादा हुई, polarizing power smaller वाले की ज्यादा है ना, तो polarizing power का increasing order क्या हुआ? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजिंग पावर, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ले ले, चल डिक्रीजिंग। भाई एल आई प्लस की सबसे ज्यादा है क्योंकि सरफेस चार्ज डेंसिटी सबसे ज्यादा है, फिर उससे कम किसकी हो गई? एन ए प्लस की। उससे कम किसकी हो गई? के प्लस की, एंड सो ऑन चलता जाएगा, समझिए। नेक्स्ट आते हैं, जैसे ये होता है ना कि भाई तुम खींचने वाले हो, हम खींचने वाले हैं, अब हम मैक्स टू मैक्स क्या कर सकते हैं कि नहीं खींचेंगे तुम्हारे तरफ, ये तो खींचने की कोशिश करेगा। तो इसकी होती है पोलराइजिंग पावर, इनकी होती है पोलराइजेबिलिटी। क्या होती है? तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है यहां पे? पोलराइजेबिलिटी। अब अगर हम बात करें पोलराइजेबिलिटी की, तो क्या होती है? द एबिलिटी ऑफ एन आयन टू गेट पोलराइज या टू गेट अट्रैक्टेड, द एबिलिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन क्लाउड टू गेट अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज आयन, दिस इज कॉल्ड इट्स पोलराइजेबिलिटी। तो लिखो फटाफट, द एबिलिटी ऑफ नेगेटिवली चार्ज आयन टू गेट अट्रैक्टेड towards positively charged ion is called its polarizability। एफ सी एल बी आर आई। चलो बच्चों, तुम ही एक बात बता दो, किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड इजीली ट्रांसफर हो जाएंगे पॉजिटिव के पास? एफ नेगेटिव वाले, आई नेगेटिव वाले। तू 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 साथ रहना। हाँ बोलो, आई नेगेटिव वाले। रीजन, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी नीचे जाते जाते कम हो जाती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो गई मतलब ले, इजीली इलेक्ट्रॉन ले ले,
जब तूने मांगे ले हमने दे दिए, तू मांग भी मत, हम ऐसे ही दे देंगे, समझ गए। तो सिंपल सी बात क्या है कि नीचे जाते जाते पोलराइजेबिलिटी डिक्रीजेस, बिलिटी डिक्रीजेस, तो यहां पे ऑर्डर क्या हो गया, एफ नेगेटिव की पोलराइजेबिलिटी सबसे ज्यादा, फिर सी एल नेगेटिव की, फिर बी आर नेगेटिव की, फिर आई नेगेटिव की। ओके, ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी है, पोलराइजेबिलिटी। ओके, लिखो बच्चों एक मिस्टेक हो गई, मिस्टेक देखो, एफ नेगेटिव इजीली पोलराइज नहीं होगा, उल्टा हो गया मेरे से, सॉरी फॉर द मिस्टेक। आई नेगेटिव जल्दी पोलराइज होगा, तो यहां पर हम आ जाते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ पोलराइजेबिलिटी। ठीक है भैया, पोलराइजेबिलिटी डिक्रीजेस, हाँ यहां पर भी मिस्टेक है, तो यहां पर क्या आ गया, पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, नीचे जाते जाते डाउन द ग्रुप, डाउन द ग्रुप पोलराइजेबिलिटी इंक्रीजेस, इज दैट क्लियर। ठीक है, तो अब मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, कौन ज्यादा खींच रहा है, छोटा कैटायन या बड़ा कैटायन, खींच कौन ज्यादा रहा है अपनी तरफ, अबे चोमू कैटायन, छोटा ज्यादा खींच रहा है, जितना छोटा है उतना खोटा है, मतलब यू लगा हुआ है खींचने में, और छोटा सा है नहीं तो खींचने में लगा हुआ है, और वहां खींच कौन रहा है इजीली, बड़ा, तो जितना स्मॉल कैटायन होगा उतना खींचेगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा, और जितना बड़ा एनायन होगा उतना इजीली खींच जाएगा, मतलब कोवेलेंट कैरेक्टर ज्यादा। तो याद रखना यहां पर एक बात, इस बात को मेंशन कर देते हैं, स्मॉलर द कैटायन, स्मॉलर द कैटायन या फिर लार्जर द एनायन, एक स्मॉलर द कैटायन और उसका नेक्स्ट क्या, लार्जर द एनायन, जितना छोटा कैटायन होगा या जितना लार्ज एनायन होगा उतना ज्यादा कोवेलेंट कैरेक्टर होगा, मोर विल बी द, मोर विल बी द कोवेलेंट कैरेक्टर, उतना ज्यादा क्या होगा, कोवेलेंट कैरेक्टर। तो कुल मिला के आपको यहां पे एक चीज लिखना है, एस सी मतलब स्मॉल कैटायन, एल ए मतलब लार्ज एनायन, और एम सी मतलब मोर कोवेलेंट कैरेक्टर। ठीक है भैया, एस सी एल ए एम सी, ये आपका क्या है, मोर कोवेलेंट कैरेक्टर है। तो यहां पे क्वेश्चन एक मेंशन करेंगे जल्दी से फटाफट, क्वेश्चन क्या आएगा, एल आई सी एल और एन ए सी एल, मोर कोवेलेंट कौन है भैया बता दे, बोल दे भैया कौन है मोर कोवेलेंट, चेक कर दोनों में सीएल सीएल कॉमन है, मतलब दोनों की खींचने की पावर पोलराइजेबिलिटी क्या है, सेम। अब जो ज्यादा खींच लेगा वो कोवेलेंट ज्यादा, तो बता दे कौन, वेरी नाइस। तो आप इसका आंसर लिख सकते हो, तो इसका आंसर क्या आ गया, एल आई सी एल मोर कोवेलेंट है, और रीजन में क्या डालोगे, ड्यू टू क्या ज्यादा है, ड्यू टू मोर पोलराइजिंग पावर, तो इसके रीजन में चिपकाएंगे ड्यू टू मोर पोलराइजिंग पावर, इज दैट क्लियर। अरे बोलो यार, ये आपसे पता तभी करवाएगा जब कोई एक कॉमन होगा, या कैटायन या एनायन, इज दैट क्लियर। मान ले इन्होंने ये दे दिया, क्वेश्चन क्या दे दिया, एल आई आई या एल आई एफ, अब बता दे कौन ज्यादा कोवेलेंट है, एल आई आई है ना, तो अब आंसर आ जा भैया, अब आंसर में मोर कोवेलेंट इज एल आई आई, अब रीजन बता, ड्यू टू क्या ज्यादा है एल आई आई में, पोलराइजेबिलिटी, ड्यू टू मोर पोलराइजेबिलिटी, इज दैट क्लियर। अरे कौनो लोचा, अरे बोलते काहे नहीं हो,
समझ आया कि नहीं आया? ये पूरा टॉपिक आपका फजान स्कूल का था, फटाफट लिख लो इसे जो जो लिखना है। नेक्स्ट टॉपिक आता है बच्चों बैलेंस बॉन्ड थ्योरी। बैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसको हम वीबीटी के नाम से जानते हैं। तो ये बैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमारे को कब तक नहीं समझ आएगी? जब तक हमारे को स्ट्रक्चर्स बनाने नहीं आते। क्या अभी हमारे को स्ट्रक्चर्स बनाने आते हैं? मैं आपको बोलूं वाटर का स्ट्रक्चर बनाओ, अमोनिया का स्ट्रक्चर बनाओ, CH4 का बनाओ, ये स्ट्रक्चर हमारे को अब आते हैं ना। BeCl2 बनाओ, BCl3 बनाओ, बहुत टिपिकल मॉलिक्यूल है, उनके वीबीटी हम नहीं करेंगे। जैसे BrF5 हो गया, समझ गए, या और कोई टिपिकल ले लो, XeO4-2 हो गया, इनकी वीबीटी अभी नहीं करेंगे। ठीक है, जो कोर्स में उतना करेंगे। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज करके दिखा रहा हूँ, वही चीज दो तीन बार करके दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको प्रोसेस समझ में आ जाए वीबीटी का प्रोसेस क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको लिख रहा हूँ एक BeCl2, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ऑफ BeCl2। बस तुम मेरे को एक छोटा सा काम करके दे दो, BeCl2 के अंदर कितने बॉन्ड पेयर, कितने लोन पेयर, कितने थे, ये एक बार बता दो। तो बताओ भैया इसके अंदर EP BP LP कितने थे, EP BP LP, और हाइब्रिडाइजेशन क्या था, ज्योमेट्री क्या थी, शेप क्या थी, क्या आपको ये बातें पहले से पता है अकॉर्डिंग टू VMCA ट्रीटमेंट? बोलो बोलो भाई बोलो। हाँ, इलेक्ट्रॉन पेयर कितना है, 2, बॉन्ड पेयर 2, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन SP हुआ करती थी, पहले से पता है। फिर ज्योमेट्री लीनियर हुआ करती थी, और जो ज्योमेट्री होती है अगर लोन पेयर 0 है तो वही क्या हो जाती है, शेप, है ना। तो ये बातें मुझे पहले से पता है, इज दैट क्लियर? करवाइए। अब आ जा, मैं क्या करूंगा, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करते हैं। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन है, तो अगर मैं बोलूं कि के और एल में कितने हैं, 2.2, तो आउटर मोस्ट शेल में कितने हुए, 2, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्ड में, इनर वाले नहीं करेंगे। तो इसके लिखेंगे GSEC, GSEC को हिंदी में बोलते हैं ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। क्या? और ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन जहां होना चाहिए वहीं है, कहीं नहीं गया। तो ये ध्यान दो, ये 1s2, ये 2s2, और वैसे सेकंड है तो यहाँ पे 2p भी होगा लेकिन एम्प्टी होगा। ये 1s वाला क्या होगा, फिल्ड होगा, 2s वाला क्या होगा, फिल्ड होगा, और 2p वाला क्या होगा, अभी फिलहाल एम्प्टी है। अब हमारे को वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक चीज याद रखना है कि जिन जिन को बॉन्ड बनाना है उन्हें पहले अनपेयर होना पड़ेगा। यार इनर वाले तो पार्टिसिपेट करेंगे ही नहीं, बाहर वाले करेंगे। अब तुम्हारा पेयर बनेगा कैसे जब तुम पहले से ही पेयर्ड हो? क्योंकि जब पहले से ही पेयर्ड हो तो पेयर बनाने की जरूरत क्या है? एग्जाम्पल के तौर पर समझो, मान लो ये शिवम है, ये शिवम का दोस्त है, अब कोई भी हो सकता है, जो भी है, ठीक है। अब जब यही दोनों पूरे टाइम एक साथ घूमते रहेंगे तो बेचारे शिवम का पेयर कहां से बनेगा? शिवम बेचारा टेंशन में, तू गर्लफ्रेंड का काम करेगा नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड बनने देगा नहीं, अरे चला जा थोड़ी देर के लिए तो चला जा। तो ये पेयर्ड है ना, पेयरिंग करनी है, बॉन्डिंग करनी है, काका तो अनपेयर्ड हो ना, तभी तो कोई आएगा तेरे पास, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं एक्साइटेशन, ये हुआ आपका एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो ये हुआ 1s2, ये हुआ 2s1, ये हुआ 2p1। इनर वाले मैं नहीं बना रहा, मैं सिर्फ आउटर वाले ही बना देता हूं। और एक खासियत होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की कि जितने बॉन्ड बनाने हैं, आपको ये बात पता है ना कि BeCl2 का स्ट्रक्चर लाइक दिस बनता है, तो यहाँ पे BE के कितने बॉन्ड बने हुए हैं, अरे बोलो, BE के 2 बॉन्ड बने हुए हैं, तो मुझे 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। नियारी बात समझ, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए ही चाहिए। तो यहाँ पर ध्यान देना कि अब क्योंकि 2 अनपेयर्ड हो गए बाय एक्साइटेशन, तो अब मैं कहूंगा ओके नाउ URS एंड IMP आओ मिलकर के दोनों हाइब्रिड करें SP, ठीक है। तो नीचे बनेंगे HO हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब ये पहले S था, ये पहले P था, अब ये वाला भी SP कहलाता है और ये वाला भी
एसपी कहलाता है, और पहले एस ऑर्बिटल की शेप होती है ऐसी स्फेरिकल, पी की होती है लोब्स, अब दोनों की शेप भी सेम हो गई। तो अभी आपका कैसे बनेगा, बेरिलियम के अराउंड एक लोब ये, एक लोब ये, मतलब ये एसपी ऑर्बिटल है और ये कौन सा ऑर्बिटल है, एसपी, दोनों का नाम अब क्या है, एसपी। अब तुम बताओ सीएल का कौन सा ऑर्बिटल लास्ट में खाली है, सीएल क्या होता है, 17 होता है ना। अब सीएल अगर 17 होता है तो कैसे भरेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, पी में अगर 5 है मतलब 1 2 3 4 5, तो पी ऑर्बिटल खाली है ना। तो वो जो पी ऑर्बिटल होता है वो डंबल शेप का होता है, वो पी ऑर्बिटल आएगा ऐसे, ये बॉन्ड बनाया, वो पी ऑर्बिटल आएगा ऐसे बॉन्ड बनाया, तो ये वैलेंस बॉन्ड हो गया आपका क्या। और जो पी ऑर्बिटल आया वो एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, और बीई के एसपी में एक इलेक्ट्रॉन है, समझ गए, और बीई के एसपी में एक इलेक्ट्रॉन था और सीएल एक इलेक्ट्रॉन लेके आया, इसे बॉन्डिंग हो गई, डन हो गया बीबीटी। एक बार इसे नोट करो, सेम चीज दोबारा करके दिखाऊंगा और यही चीज बार बार करूंगा ताकि आपको पता लग जाएगा वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में एक्चुअली में वो क्या रहा है। फटाफट लिखो इसे जल्दी से। अब जो काम बच्चों आपने BeCl2 के लिए करा है ना, सेम काम आपको किसके लिए करना है, एक बार ट्राई करना है BCl3 के लिए। BCl3 के लिए सबसे पहले आप EP BP LP हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप ये सारी चीजें लिख दो, EP क्या होगा, BP क्या होगा, LP क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन ज्योमेट्री शेप। तो EP क्या होता है इसका 3, BP 3, लोन पेयर 0, हाइब्रिडाइजेशन इस हिसाब से SP2 है ना, और ज्योमेट्री होती है ट्रायगोनल ट्रायगोनल प्लेनर, और शेप क्या हो जाएगी सेम क्योंकि लोन पेयर 0 है। तो अब आपको ट्राई क्या करना है, पहले तो BCl3 का स्ट्रक्चर बना लो, BCl3 का स्ट्रक्चर ऐसा ही कुछ बनेगा है ना। तो ये बनाने के बाद आप एक बार इसका ग्राउंड स्टेट, एक बार एक्साइटेड स्टेट, एक बार खुद ट्राई करके देखो, फिर मैं बताता हूं। लो बच्चों ध्यान देना, जैसे कि आपको ये सारी चीजें पहले से पता है, तो अब हम सबसे पहले क्या करेंगे, बोरॉन के पास टोटल 5 होते हैं, तो अगर के और एल शेल में बात करें 2,3 हो गए, तो वैलेंस शॉल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम लिखते हैं तो 1s2 2s2 और 2p1 आया, तो इनर वाले नहीं लिख रहा, आउटर वाले ही सिर्फ लिख रहा हूं, ये आया। अब चेक करके देख तेरे को कितने बॉन्ड बनाने हैं, बी के 3 बॉन्ड बनाने हैं, तो कंडीशन क्या होती है कि जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चाहिए, क्या यहाँ पे है उतने अनपेयर्ड, नहीं है ना, तो इसे क्या करेंगे, यहां पे इसको शिफ्ट कर देंगे, और जैसे ही यहां पर इसको शिफ्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये रह जाएगा 1s2 ही, और ये बन जाएगा 2s1 और ये बन जाएगा 2p2। तो अब उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए जितने इसको बॉन्ड बनाने हैं, तो अब ये हाइब्रिडाइजेशन क्या लेगा, sp2 लेगा हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, याद रखना जितने अनपेयर्ड ऑर्बिटल होते हैं ना ये वाले है ना, उतने ही हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, ये भी sp2 ये भी sp2 और ये भी sp2, तो सिंगल सिंगल इलेक्ट्रॉन सब में है, तो ऐसे ही बोरॉन के अराउंड क्या हो जाएगा, बोरॉन के अराउंड 3 बनाओ, sp2 एक सीएल यहां, एक सीएल यहां, एक सीएल यहां, तो ये सीएल लग गया, ये सीएल लग गया, ये सीएल लग गया, बन गया, ठीक है। फटाफट इसे बनाओ, अगर ये आपसे हो जाए तो अगला केस मैं आपको दे रहा हूं NH3 का, किसका दे रहा हूं अगला केस, NH3 का, एक बार ट्राई करो इसको, एक दो मॉलिक्यूल और करेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसके बाद कुछ पोस्टुलेट देखेंगे, फिर खत्म हमारा, ध्यान ध्यान देना भाई। अब अमोनिया की अगर बात करें तो अमोनिया का EP BP और LP क्या होता है, EP 4 ये 3 ये 1, हाइब्रिडाइजेशन SP3, ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल, और शेप क्या पिरामिडल है ना, और ये कैसे बनी थी, नाइट्रोजन पे एक पे लोन पेयर था, 3 पे क्या थे, इज दैट क्लियर है ना।
तो अब क्योंकि आपको ये पता है यहाँ पे तीन बॉन्ड बनाने हैं तो तीन ही अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो नाइट्रोजन होता क्या है, सेवन, सेवन हो गया 2.5, अरे के और एल में, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया यहाँ पर, 1s2, 2s2, 2p3, ठीक है भैया, ये हो गया यहाँ ये। अब तुम ये बताओ जितने बॉन्ड बनाने हैं क्या उतने अनपेड इलेक्ट्रॉन है मेरे पास, मेरे को कितने बॉन्ड चाहिए भाई, वो तो बॉन्ड है ही नहीं, तो तीन चाहिए, तीन अनपेड है तो एक्साइट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आप स्टार बना के एक बात लिख लो, स्टार बना के एक बात लिख लो, एक्साइटेशन बिफोर बॉन्डिंग इज नॉट द नेसेसरी कंडीशन, एक्साइटेशन, एक्साइट की क्या स्पेलिंग होगी, exe, एक्साइटेशन बिफोर बॉन्डिंग इज नॉट नेसेसरी, ये वाली बात समझ में आई, इसको थोड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट में ही मार्क कर लेना भैया, कि एक्साइटेशन बिफोर बॉन्डिंग इज नॉट अ नेसेसरी कंडीशन, समझ गए या नहीं, नहीं समझे, समझे नहीं, समझे नहीं, समझा, यहाँ पर ध्यान देना। अब यहाँ पे मैं डायरेक्टली आऊंगा क्या, हाइब्रिडाइजेशन, क्योंकि मुझे पहले से ही पता है इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, तो ध्यान देना जो फिल्ड ऑर्बिटल है वो भी हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट ले सकता है, तो यहां पर एक और लिख दे, फिल्ड ऑर्बिटल, फिल्ड ऑर्बिटल can also take part in, किसमें take part in कर सकता है, take part in in hybridization, in hybridization, okay guys, ये आपका एक और वो आ गया hybridization, ठीक है, कोई लोचा, और यहां पर ये हाइब्रिडाइजेशन होगा तो sp3 हाइब्रिड होगा, यहां पे पटापट क्या लिख देंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या क्या आ गए, ये आ गया sp3, ये भी sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3, तो ये तो पहले से फिल्ड है लेकिन ये फिल्ड नहीं है, तो बस वही बना दो आपने, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के अराउंड टेट्राहेड्रली अपने चार ये लगा दो। अब आप बताओ हाइड्रोजन का आखिरी इलेक्ट्रॉन किसमें होता है, अरे एक इलेक्ट्रॉन होता है और वो 1s1 में होता है, तो s ऑर्बिटल की शेप होती है स्फेयर, तो आपके पास तीन स्फेयर यहां बन जाएंगे जो आपके हाइड्रोजन से बॉन्ड होंगे, ठीक है, और यहां पर आपका लोन पेयर आ जाएगा, इज दैट क्लियर गाइस, ठीक है, इसे फटाफट लिखो और ये दो कंडीशन इंपॉर्टेंट लिखना, ठीक है, चलो भाई अब यहां ध्यान देना, अब हमारे पास तीन मॉलिक्यूल और है, एक का नाम है इथेन, एक का नाम है इथीन और एक का नाम है इथाइन, ठीक है भाई, इथेन का स्ट्रक्चर होता है लाइक दिस, ये ठीक है, अब मैं एच नहीं शो करूंगा, इथीन का स्ट्रक्चर ये होता है और इथाइन का स्ट्रक्चर ये होता है, ठीक है, इथेन का बैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होती है ये ध्यान देना, आपको पहले कार्बन के केसेस में ये बताता हूं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है ना वो बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर होता है, ये तो आपको पता ही है, अब बॉन्ड पेयर में आपको सिग्मा बॉन्ड ही काउंट करने होते हैं, सिग्मा बॉन्ड ओनली, नॉट पाई बॉन्ड्स, पाई बॉन्ड्स कभी भी काउंट नहीं करने होते, तो कार्बन पे फिलहाल लोन पेयर तो है नहीं, तो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं एक कार्बन पे, सिग्मा 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 और सिग्मा, तो तीन हुए ना sp3 हाइब्रिड, चार हो गए टोटल सिग्मा sp3, यहां पे बात करें सिग्मा 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 और एक ये पाई, तो इस कार्बन पे टोटल तीन सिग्मा हुए, तो तीन सिग्मा तो sp2, यहां पे सिग्मा सिग्मा और दो पाई है तो sp हाइब्रिड, तो आपको पहले यहाँ हाइब्रिडाइजेशन पता होनी चाहिए। अब इसका VBT करने के लिए हम करेंगे क्या,
कार्बन के ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पहले इसकी निकाल लो, जो इसकी निकालोगे सेम इसकी आएगी क्योंकि सेम सराउंडिंग है ना। तो यहाँ पर आ जाओ, कार्बन होता है 6, के और एल में बात करें 2.4 हुआ, तो अगर इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो क्या आ जाएगा, 1s2 2s2 2p2। अब चेक करो यहाँ पे कितने बॉन्ड मेरे को कार्बन के बनाने हैं और कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, 4 बॉन्ड बनाने हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 2। अनपेयर्ड 2 ही तो हैं, तो क्या एक्साइटेशन की नीड है, एक्साइटेशन की नीड है और एक्साइटेशन कराई भी जाएगी। तो ये आ गया एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया 1s2, ये 2s1 और ये 2p3। ठीक है, इसको फटाफट लिख दो, ये और ये, और क्योंकि मुझे पता है पहले से हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे क्या है sp3, तो इन तीनों को लेके मैं हाइब्रिडाइजेशन क्या कर दूंगा sp3। ये यहां तक बिल्कुल लेके जाना, यहां तक जहां तक हाइब्रिडाइजेशन करनी है। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके क्या है, sp3 के टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे, 2 या 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे, 2 या 3, जल्दी बोलो, 4 बनेंगे। ठीक है, तो यहां पर कितना आएगा sp3, ये भी sp3 और ये भी sp3। तो अब जैसा कार्बन का फॉर्म ये थी sp3 हाइब्रिड, वैसे ही दूसरे कार्बन की भी ये हो गई sp3 हाइब्रिड। ठीक है, तो जो इनका ये सिग्मा बॉन्ड बना है, ये बना है sp3 और sp3 के सिग्मा बॉन्ड बनने से। ठीक है, sp3 और sp3 के सिग्मा बॉन्ड बनने से, और 3-3 H जो लगे इनका कौन सा ऑर्बिटल आएगा, S, 1s ना, तो S के आने से यहां पे क्या बन जाएगा, बॉन्ड। ठीक है, तो ये लग गए आपके HH। तो आपको समझ आया इसका VBT कैसे किया। ठीक है, एक बार ट्राई करने की कोशिश करो, इथीन का नहीं होता तो इथीन मैं बताता हूं, फिर इथाइन होमवर्क में हो जाएगा कंफर्म, अगर इथीन आ गया तो करो। नेक्स्ट अगले वाला केस आ जाओ, मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको इथीन की करके दिखा रहा हूं। अगर इथीन की बात करेंगे तो क्या करेंगे, इथीन में आपका वही है, कार्बन क्या हो गया 1s2 2s2 2p2 है ना, इसको क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है भाई, तो ग्राउंड स्टेट में तो सेम ही हो गया। अब यहां भी कार्बन को कितने बॉन्ड बनाने हैं, चाहे पाई है चाहे सिग्मा, 4 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक्साइटेशन की नीड है, एक्साइटेशन हुई तो ये आपका हो गया 1s2 2s1 2p3 1 1 2 3। अब आप बताओ यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, तो क्या मैं s और 3p ले सकता हूं, भाई मुझे कैसे पता लगेगा sp3 लेना है या sp2 लेना है, वो तब पता लगेगा जब ये वाली बात पता होगी। ठीक है, तो sp2 लिया, और जैसे ही मैंने sp2 लिया, ये वाला p ऑर्बिटल भाई नाराज सा हो गया। ठीक है, कि भाई तूने मेरे को क्यों छोड़ दिया। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में क्या क्या बना, सिर्फ 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, sp2 और इधर भी sp2, ये वाला और ये वाला, तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन, सिंगल और ये पी ऑर्बिटल बेचारा भी क्या है, खाली है, और एक कार्बन की नहीं दोनों कार्बन की सेम स्थिति है। तो दोनों कार्बन की अगर मैं बात करूं तो कार्बन के अराउंड sp2 और sp2, और यहां भी कार्बन के अराउंड sp2 और sp2, ये तो है ही है, और यहां sp2 पे हाइड्रोजन आ जाएंगे, आ गए, और ये sp2 और sp2 का सिग्मा बॉन्ड बन गया, बना। तो अब ध्यान देना, ये कुछ ऐसा है, ये तो तुम्हारा ऐसा है ना प्लेन, अगर ऐसा प्लेन होता कि कार्बन के बॉन्ड इधर और इधर इधर एच है, तो इस प्लेन का परपेंडिकुलर ये है, तो दोनों पी ऑर्बिटल ऐसे होते परपेंडिकुलरली। अब यहां मैं परपेंडिकुलर कैसे बनाऊं, ऐसे तो मैं ऐसे ही बना देता हूं, तो ये जो तुम्हारे पी ऑर्बिटल बनेंगे ना,
ये वाले ये बनाएंगे साइडवेज ओवरलैप। अबे ये ओवरलैप करते हुए दिख नहीं रहे ना, तो मैंने ऐसे कर दिया, ठीक है। तो ये पी ऑर्बिटल आपके क्या बना रहे हैं, पी पाई बॉन्ड, क्या बना रहे हैं, पी पाई। अबे जब पी ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाते हैं तो क्या बोलते हैं, पी पाई। कहां से बताना है दोबारा बता, एक्साइट कर दिया। अब क्योंकि मेरे को ये बात पहले से पता है कि यह sp2 हाइब्रिड होता है, तो मैंने sp2 हाइब्रिडाइजेशन ले ली। sp2 में एक s2p आएंगे तो तीसरा p छूट गया ना, तो जो तीन sp2 आए, sp2 sp2 और sp2, वो दो sp2 तो h के साथ बॉन्ड कर रहे हैं, एक sp2 इसके sp2 के साथ, तो p बचा ना, तो वो जो p ऑर्बिटल इसका है वो उसके p ऑर्बिटल के साथ साइडवेज ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। और अगर ये वाला प्लेन है तो ये p ऑर्बिटल इधर है आगे की साइड, लेकिन अब आगे कहां से लाऊं, 3D नहीं बना सकते ना, समझ गए। तो ये फटाफट बना लो, इथाइन मॉलिक्यूल आपका होमवर्क है, ये वाला आपका होमवर्क है, ये करेंगे। जब आप ये नहीं कर पाओगे तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है, उसे भी फटाफट करते हैं। चलो भाई नेक्स्ट थ्योरी है हमारी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, ठीक है। ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती क्या है, सिंपल कहती है कि देखो भाई पहले कॉन्सेप्ट ये था कि लड़के बाहर काम करेंगे, लड़कियां घर संभालेंगी, ऐसा था ना पहले कॉन्सेप्ट, तो ये बात किसी अच्छी नहीं लगी लड़कियों को, उन्होंने कहा ये क्या मतलब है, हम भी बाहर काम करेंगे, तुम तो घूमने निकल जाते हो, समझ गए। तो ये बात उन्हें अच्छी नहीं लगी, उन्होंने कहा राइट टू इक्वालिटी वाली बात लेकर के उन्होंने भी बाहर काम करना चालू किया, ठीक है भाई मजे चल रहे हैं। तो अभी लेटेस्ट क्या है, आ? वो क्या होता है मुझे नहीं पता, लेटेस्ट है कि भैया जिसे बाहर काम करना है करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वही चीज थी पहले, जो बैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी वो ये कह रही थी सिर्फ बैलेंस शेल के ही ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे बॉन्डिंग में। कौन पार्टिसिपेट करेगा बॉन्डिंग में, बैलेंस शेल के ही ऑर्बिटल। तो ये बात किसको अच्छी नहीं लगी, इनर शेल वाले ऑर्बिटल को, उन्होंने कहा यो के मतलब भाई हम भी करेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है गुस्सा मत हो, नई थ्योरी लाते हैं, नाम रखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, कि बैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन नहीं पार्टिसिपेट करेंगे, सिर्फ अंदर वाले भी करेंगे। तो अब अंदर वाले कैसे करेंगे ये बताता हूं आपको, ठीक है। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में आप वैसे तो 11th में पहले पढ़ चुके हो, ठीक है, हम मोटा मोटी एक बार फिर देख लेते हैं कि क्या इसके अंदर है, ठीक है। तो यहां ध्यान देना, अपने पास दो केसेस होते हैं बच्चों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक केस होता है इक्वल टू 14, एक होता है इक्वल टू 14 या फिर लेस देन 14। अरे क्या है, एक है लेस देन 14 या इक्वल टू 14, और एक केस है कौन सा जहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ग्रेटर देन 14 हो, समझ गए, ठीक है। तो मैं आपको दो डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, वो दो डायग्राम आपको समझने हैं कि दोनों किस लिए हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता है पहले 1s ऑर्बिटल भरता है, फिर 2s भरता है, फिर कौन सा भरता है 2p एंड सो ऑन चलता है। तो यहां पे मैं आपको दो डायग्राम बना के दिखा रहा हूं, तसल्ली से इन दो डायग्राम को देखना। एक डायग्राम ये है, ठीक है, बहुत बड़े बड़े नहीं बनाएंगे, छोटे छोटे ही बना लेते हैं। ये बना, एक डायग्राम ये बन रहा है आपका, ठीक है, ये एक आपका यहां 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 और यहां बना, और एक और बना देते हैं, मेरे को लग रहा है जगह छोटी पड़ गई शायद, ये और ये, ठीक है, इस छोटे में ही काम चला लेते हैं। अब ये है क्या ये समझाता हूं,
एनर्जी इंक्रीज हो रही है ऊपर, ठीक है। ये साइड साइड में आपके एटम के ऑर्बिटल्स है, जिसे बोलते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल। और जब वो साइड वाले मिले तो क्योंकि एटम मिलके क्या बनाता है, मॉलिक्यूल, तो ये बीच वाले हो गए मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ठीक है। तो इनको हम लिखते हैं एओ, एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और इनको लिखते हैं एमओ, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। अब क्योंकि मैं बात करूं, ये आपका 1s है, ये 2s है, और ये 2p है। ये भी क्या है बच्चों, 1s, 2s और 2p। जब s और s मिलते हैं, जब s और s मिलते हैं तो बनाते हैं सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस वाले का नाम क्या है, इस वाले का नाम है सिग्मा 1s, कि जो 1s ऑर्बिटल ने बनाया वो क्या बनाया है, सिग्मा 1s। और जितने सिग्मा होते हैं या जितने नीचे होते हैं उतने ही इनसे ऊपर भी होते हैं, तो ये हो गया सिग्मा स्टार 1s। ऐसे ही 2s 2s के दो बनेंगे, क्या क्या बनेंगे, सिग्मा 2s स्टार 2s। ऐसे ही ये बनेंगे भाई, p ऑर्बिटल में सिग्मा बॉन्ड को ही एक ही ऑर्बिटल बनाता है, या px या py या pz। अगर मान लो ये p ऑर्बिटल का सिग्मा बॉन्ड है, तो अगर ये z ऑर्बिटल से बना है तो पाई x और y से बनेंगे, अगर ये x से बना है तो ये y और z से बनेंगे, समझ गए। यहां पर ध्यान देना है, दोबारा देख, p ऑर्बिटल में तीन ऑर्बिटल है, एक बनाएगा सिग्मा, दो बनाएंगे पाई। तो अगर z ने सिग्मा बनाया है तो x और y पाई बनाएंगे, और जो पाई बॉन्ड बना रहे हैं उनके दो की एनर्जी सेम है। तो यहां पर आप लिख दोगे, क्योंकि 2p ऑर्बिटल है और पाई बॉन्ड बना रहा है, तो पाई 2p x इज इक्वल टू पाई 2p y, और ये क्या हो गया, सिग्मा 2p z, ओके। और इसके ऊपर चले जाओ, पाई स्टार 2p x इक्वल टू पाई स्टार 2p y, ये हो गया सिग्मा स्टार 2p z। इज दैट क्लियर, ठीक है। आप एक बार इसे बना लो, फिर और समझाता हूं, तसल्ली से बनाओ। चलो बच्चों सामने ध्यान देना, तो ये जो आपका केस मैंने बनाया है ना, ये कैसा है, जब इलेक्ट्रॉन लेस देन या मोर देन 14 हो, ठीक है। तो क्या करना है, अगर इलेक्ट्रॉन ज्यादा आ जाए 14 से, तो सारा डायग्राम सेम रहेगा, ये सारा मामला कैसा रहेगा, सेम, बस यहां फर्क आ जाएगा, ये पोर्शन उठ के ऊपर और ये वाला नीचे। बना के देख ले, आया बना के देख ले, यही इन्हीं के बराबर बराबर में बना लेते हैं। ये हो गया हमारा एनर्जी का एक्सेस, एनर्जी इंक्रीजिंग, ठीक है। और यहां पर ये बना लो भैया, क्या क्या हो जाएगा, हाँ याद रखनी है वाली बात की, लेस देन 14 का है, ठीक है भाई। अगेन ज्वाइन कर दो इसे, ठीक है भाई, ये बन गया। सेम लेबलिंग करना, 1s 2s 2p, 1s 2s 2p, ठीक है। जो ऑर्बिटल है ना, एक उसका बनता है सिग्मा, वो नीचे हो गया क्या ज्यादा, मेरे को लग रहा है ऐसा हुआ तो नहीं, लेकर हो जाएगा। तो ध्यान देना भाई, ये वाला जो ऑर्बिटल है कौन सा है, ये वाला है सिग्मा 1s, कौन सा है, सिग्मा 1s।
ये है सिग्मा स्टार 1s, ये है सिग्मा 2s, ये है सिग्मा स्टार 2s। और देख फर्क कहां आया, इस वाले पोर्शन में आ गया ना फर्क, ये हो गया सिग्मा 2pz पाई 2px इज इक्वल टू पाई 2py, और ये हो गया पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py, और ये हो गया सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है भाई, अब इसको स्टडी करते हैं। बना लिया, बना लो एक बार फटाफट। तो अब मान लो ये हम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भर रहे हैं किसके लिए, ऑक्सीजन के लिए। ऑक्सीजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों, ऑक्सीजन के पास 8 होते हैं, तो O2 के पास कितने हो जाएंगे 16, तो ऑक्सीजन के 8 बढ़ो 1s2 2s2 2p4 1s2 2s2 2p4 भर दो भैया 1 2 1 2 1 2 3 और या 4, क्लियर बोलो। अब यहां पर आ जाओ, क्योंकि 8 यहां भरे 8 यहां भरे, तो बीच में कितने भरेंगे 16। ठीक है, तो सिग्मा 1s में 2 भरोगे, तो सिग्मा 1s में 2 भरेंगे तो क्या लिखेंगे यहां पर, सिग्मा 1s ऊपर लिख देंगे 2 और यहां भर दिए 2, फिर सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2 पाई 2px2 पाई 2py2 कितने भर गए 2 4 6 8 10 12 14, अब कितने बचे 2, तो पाई स्टार 2px1 और पाई स्टार 2py1 यहां पे सिंगल और सिंगल, बाकी सब में 2 2 भर दो। ठीक है भाई, फटाफट भरो इसे, भर दो जल्दी भरो। तो बच्चों ये ध्यान देना, जो ये विदाउट विद स्टार वाले है ना, ठीक है, जो विद स्टार वाले ऑर्बिटल है इनको बोलते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं लिख लो, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। और विदाउट स्टार वाले क्या है, ये है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग वाले में आता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर बॉन्डिंग वाले में आता है तो वो बॉन्ड बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है और ये वाले तोड़वाने के लिए। ठीक है, तो अब एक फॉर्मूला होता है बॉन्ड ऑर्डर। क्या होता है फॉर्मूला, बॉन्ड ऑर्डर बेसिकली होता है कि किसी दो एटम के बीच में कितने नंबर ऑफ बॉन्ड है। अगर बॉन्ड ऑर्डर 2 है मतलब बॉन्ड कितने हैं 2, अगर बॉन्ड ऑर्डर 3 है मतलब बॉन्ड्स कितने हैं 3। तो यहां पर ध्यान देना, फॉर्मूला होता है हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। कोई लोचा, फटाफट काउंट करो इसके विदाउट स्टार वाले कितने हैं और विद स्टार वाले कितने हैं। विद स्टार वाले 2, ये 2, ये और 2, ये 6 है, तो विद स्टार वाले ए बी एम ओ 6 ये हो गए, और विदाउट स्टार वाले 2 2 2 और 4 6 4 10 है ना, 10 हाफ, तो हाफ ऑफ 10 माइनस 6 कितना हुआ 4 2। तो चेक करना ऑक्सीजन के बीच में 2 ही तो बॉन्ड बनते हैं, बनते हैं ना, लिख लो फटाफट इसको। अब ये जो बीच वाली इलेक्ट्रॉन, जैसे साइड वाली को क्या बोलते हैं, एटॉमिक ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है ना, ये बीच वाली होगी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब चेक करना, अब इनर वाले भी बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, समझ रहे हो, तो यहां पर ध्यान दो। अगर मैं सिर्फ ऑक्सीजन की बात करूं, लिखेंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, अबे मोए मोए नहीं है ये क्या ये मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसका, ऑफ O2। O2 में कितने इलेक्ट्रॉन थे 16, तो सबसे पहला इलेक्ट्रॉन आपने कहां डाला,
सिग्मा 1s2 में, उसके बाद किसमें डाला, सिग्मा स्टार 1s2 में, उसके बाद किसमें डाला, सिग्मा 2s2 में, फिर किसमें डाला, सिग्मा स्टार 2s2, लिख ऐसे, फिर सिग्मा 2s2, फिर सिग्मा स्टार 2s2, उसके बाद किसमें डाला, सिग्मा 2pz2, फिर उसके बाद किसमें डाला, पाई वालों की दोनों बराबर एनर्जी है, पाई 2px2 इज इक्वल टू पाई 2py2 और उससे ज्यादा, पाई स्टार 2px1 इक्वल टू पाई स्टार 2py1 और इससे ज्यादा कौन, सिग्मा स्टार 2pz, यहां पे जीरो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो ये इनकी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन है। इसे देखो तसल्ली से एनालाइज करो एक बार, इसे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल लिख, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, फटाफट लिखो। तो बच्चों देख लो यहां तक आपको सारा समझ आया कि नहीं आया, क्योंकि ये हमारे बेसिक्स थे। अब इस पे बेस्ड मैं आपको कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं, और वैसे ही क्वेश्चन एमओटी के आते भी हैं, ठीक है, ये लिख लो, सारा मिटा रहा हूं ये, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। अब क्वेश्चन है क्या है बच्चों, क्वेश्चन व्हाई Hg2 मॉलिक्यूल डोंट एग्जिस्ट, क्यों एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक तो ये है कि हीलियम क्यों ही बॉन्ड बनाएगा, वो तो नोबल है भाई, ये क्या मतलब, उसको मन नहीं करता होगा बॉन्ड बनाने का। अब इसको मैथमेटिकली प्रूफ करेंगे क्यों नहीं बना रहा, ठीक है। तो यहां पर ध्यान देना, हीलियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, दो, तो अगर वो Hg2 बनाए तो कितने हो जाएंगे, चार। अब ये केस हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लेस देन फोर, तो लेस देन फोर में एनर्जी ऑर्बिटल क्या होता है, उस एनर्जी, अबे तो 14 से लेस ही तो हुआ फोर, हाँ लेस देन 14, सॉरी लेस देन 14 हुआ, तो 14 वाले में क्या कॉन्फिगरेशन आएगी, इसकी MOEC कर दो, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2, तो निकाल दे काका इसका बॉन्ड ऑर्डर, हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन BMO माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ABMO, अबे लिख लेना यार पूरा, तो हाफ ऑफ दो उसमें दो इसमें, क्या आया भाई, तुम्हारी बॉन्डिंग हो ही नहीं पा रही, समझ रहे हो, बॉन्डिंग नहीं हो पा रही तो क्या करें हम, क्या भाई रहन दो अपन, फिर अकेले ही रहेंगे। ऐसा नहीं है, कई लोग ट्राई नहीं करते बॉन्डिंग करने का, लेकिन वो बॉन्डिंग करने जाते हैं झगड़ा हो जाता है, कि जितनी बॉन्डिंग हुई थी उतना ही झगड़ा हो गया, ले बहस की पूछ निकल यहां से, तूने आगे दिमाग खराब कर, समझ रहे हो बात को, तो आपको बॉन्डिंग ज्यादा करना है झगड़ा कम करना है, समझ रहे हो ये बात, याद यही तो बात है ये लिख। अच्छा एक क्वेश्चन बहुत मजेदार है, तुमने कभी सुना है कि पापा मम्मी तो है नहीं लेकिन बालक आ गया, ये अपन ने सुना नहीं, ठीक है, यहां क्वेश्चन के साथ वही है, तूने ये देख लिया Hg2 मॉलिक्यूल तो एग्जिस्ट करता नहीं, क्योंकि पहले के जमाने में जब MOT नहीं थी तो ये बिल्कुल ऐसी ही बात थी कि पापा मम्मी नहीं थे तो ये बालक कहां से आया। तो क्वेश्चन कैसा है ये ध्यान देना, क्वेश्चन ये था व्हाई Hg2 प्लस मॉलिक्यूल एग्जिस्ट, यू तो है नहीं, यू कहां से आया, भाई जब Hg2 नहीं है तो Hg2 प्लस और माइनस का क्या मतलब है, तुमने कहा कैसे मतलब नहीं है भाई, देखो Hg के पास दो इलेक्ट्रॉन, विच इंप्लाइज Hg2 के पास कितने, चार, विच इंप्लाइज Hg2 प्लस के पास कितने, एक इलेक्ट्रॉन लॉस, थ्री, विच कर ले MOEC क्या आया, सिग्मा 1s में तो दो भर गए लेकिन स्टार में एक ही भर पाया, कहना बॉन्डिंग ज्यादा करी और एंटी बॉन्डिंग कम करी, तो अल्टीमेटली इसकी बॉन्डिंग हो गई, तो यहां पे आ जा, हाफ भाई BMO बॉन्ड ऑर्डर निकाल रहे हैं,
तो हाफ ऑफ क्या, बीएमओ के इलेक्ट्रॉन। अबे बीएमओ में से एबीएमओ नहीं माइनस करने, ये क्या लिखा है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बीएमओ, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एबीएमओ। तो यह हो गया हाफ ऑफ कितना, दो माइनस एक कितना आया, वन बाय टू, 0.5, मतलब आधा बॉन्ड भी होता है, जहां से मैथमेटिकली प्रूव हुआ था। अरे तुम बच्चे ये तो जानते हो ना कि पार्शियल बॉन्ड होता है, हाँ, जो रेजोनेंस में आ रहा था, तो वो रेजोनेंस का ये मैथमेटिकल प्रूफ है, समझ गए, फटाफट लिखो इसे जल्दी से। चलो बच्चों एक आखिरी टॉपिक, आखिरी टॉपिक बता रहा हूं इसका आज की क्लास का। एक चीज होती है पैरामैग्नेटिक कंपाउंड, ठीक है, एक होती है डायमैग्नेटिक। ये बात आप सबको पता है, नहीं पता है, पैरामैग्नेटिक कौन सा होता है, डायमैग्नेटिक कौन सा होता है, बताओ। पैरामैग्नेटिक वो होते हैं जिनके पास ये मैग्नेटिक फील्ड को अट्रैक्ट करते हैं और ये मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल। तो क्या लिखेंगे, द कंपाउंड विच अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइन इज कॉल्ड पैरामैग्नेटिक, और इसे क्या लिखेंगे, द कंपाउंड विच रिपेल। तो यहां पे मैं तो ब्रैकेट में छोटा सा लिख देता हूं, अट्रैक्ट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और यहां क्या लिख देता हूं, रिपेल्स मैग्नेटिक फील्ड लाइन। इतना क्लियर है, कंडीशन क्या है, कंडीशन पैरामैग्नेटिक के लिए है प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अच्छा ये हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में किया है ना, प्रेजेंस ऑफ एटलीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और यहां पे ऑल इलेक्ट्रॉन मस्ट बी पेयर्ड, ठीक है, इतना कर लो, बाकी फिर हम इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बहुत सारे टॉपिक वाइज काफी हद तक हमारा कवर हो चुका है, ठीक है, लगभग 80-85% चैप्टर डन है, ठीक है, चलो मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, बाय बाय।